ये देखें इतना इतना पेंट उतर रहा है इससे, पेंट दो नंबर लगा हुआ है। ये देखें ना जिस तरह ये पेंट उतर रहा है, ये सारी पटीने हैं, ये पटीने भी उतर रही हैं। इसमें क्या क्या कमियां देखते हैं ये करने वाले ने, इसमें क्या क्या कमियां छोटी हुई हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखें अपनी गाड़ी का काम करवाते हुए? टीन तो कम से कम इस्तेमाल हो, टीन आप सारी उतारेंगे, इसको अच्छे तरीके से डेंटिंग करवाएंगे, डेंटिंग करवा के पूरा बोनट करेंगे कि जैसे कंपनी पेंट हो गया है ना। अभी आपको बोनट दिखाया, अभी तो गाड़ी आपको दिखानी बाकी है। ऐसे हाथ लगाएंगे ना इसको तो ये पूरी खड़के की चादर, ये भी साइड उसी तरह बनी है, वो भी साइड उसी तरह बनी है। ये देखें ये इस तरह बनी हुई थी गाड़ी, ये चीजें थी गाड़ी में। हम सारा इसको स्टील बनाएंगे कि जिस तरह पूरा चमकदार बनाएंगे, फिर इसमें पेंट क्वालिटी नजर आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल वन से फैजान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह यार गाड़ियां बहुत दिखाते हैं आपको, फाइनली मैंने कहा किसी वर्कशॉप वाले ने इतना गंदा काम किया हुआ है, आपको क्यों ना दिखाएं कि ऑटो चैनल वन क्या क्या गंदे कामों को बेहतरीन और क्वालिटी वाला काम करता है। गंदा काम मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये इस बोनट का हाल देखें, पेंट के नीचे पुटीने, पुटीनों के ऊपर पेंट दो नंबर, पेंट कैसे होता है। रहमान भाई हमारे व्यूज को उतार के दिखाएं जरा, थोड़ी सी अगर रहमान भाई से बात करें, रहमान भाई क्या पेंट क्वालिटी में इसमें कमी की हुई है इन्होंने? यारा इसमें काफ़ी कमियां की हुई हैं, पेंट दो नंबर लगा हुआ है। ये देखें ना जिस तरह ये पेंट उतर रहा है, ये पेंट इस तरह उतरना नहीं चाहिए, इस पर केमिकल लगाया, और ये देखें ये पेंट की लेयर किस तरह उतर रही है। हालांकि पेंट जो है ना ये इसके नीचे अभी पटीने हैं, अब पटीने भी उतर रही है, ये देखें ये सारी पटीने हैं, ये पटीने भी उतर रही हैं। अगर रहमान भाई पेंट क्वालिटी जॉब आप 100% करते हैं, आपका प्रोफेशनलिज्म है, इसमें क्या क्या कमियां देखते हैं ये करने वाले ने, इसमें क्या क्या कमियां छोटी हुई हैं टेक्निकली हमारे व्यूज को वो बताएं यारा। इसमें एक तो इस पे पटीन बहुत ज़्यादा लगी हुई है भाई, इतनी ज़्यादा पटीन लगी हुई है कि बोनट है, बोनट पे पटीन इतनी लगनी नहीं चाहिए। ये डेंटर की गफलत की वजह से, यानी कि ना ये पेंटर ज़्यादा पटीन लगाते हैं कि यार वो डेंटिंग होती नहीं सही और वो उनके पटीन लगानी पड़ जाती है, और ये पटीन आप सारी उतारेंगे, इसको अच्छे तरीके से डेंटिंग करवाएंगे, डेंटिंग करवा के पूरा बोनट करेंगे कि जैसे कंपनी पेंट हो गया है ना, सेम उसी तरह लगेगा ये इंशाल्लाह। इसी तरह ये देखिए, ये जब ये गाड़ी हमारे पास आई थी ना, बहुत रफ गाड़ी थी, मैंने अपने व्यू को दिखाई थी कि जब ये जाएगी ऐसे लगेगी जैसे टोयोटा कंपनी से ये गाड़ी प्लेटफॉर्म निकली है। सर इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, ये देखिए इतना इतना पेंट उतर रहा है इससे, अभी ये इससे बहुत ज़्यादा, अभी ये नीचे से सारा उतरना है, अभी मतलब इतना कचरा उतर रहा है इस गाड़ी से, ये उतरेगा तो फिर पेंट क्वालिटी आएगी इंशाल्लाह। इसी तरह होगा, ये सारा उतार के इसको पूरा जेन्युइन तरीके से हम करेंगे। और रहमान भाई अपने हमारे देखने वाले व्यूज को ये बता दें यारा फाइनली कि किन चीज़ों का ख्याल रखें, कई लोग हमें बड़ी दूर से देखते हैं, छोटे छोटे काम अपने इलाकों से अपने करीबी वर्कशॉपों से करा लेते हैं, उनके लिए गाइडेंस वीडियो दें, किन चीज़ों का ख्याल रखें अपनी गाड़ी का काम करवाते हुए फाइनली, तो प्लीज़ उनकी थोड़ी हेल्प करें यारा। पेंट में सबसे ज़्यादा तो यही है कि पटीन का कम से कम इस्तेमाल हो जी, तो पेंट अच्छा आएगा जी। अगर पटीन के ऊपर पेंट आएगा तो वो उसकी वो ना शाइन आएगी इतनी, ना फिनिशिंग आएगी, वो मज़ा नहीं आएगा। कंपनी पेंटेड कंपनी इस तरह नहीं करती, कंपनी यानी कि ना पूरे जिस तरह ये पूरा पीस बन गया, ये जिस तरह बिल्कुल सारा बोनट हम इस तरह करेंगे, इस तरह करके फिर इसको सारा पेंट करेंगे, फिर इस पर शाइन आएगी और फिर इसका पेंट का ना सही चमक निकलेगी। रहमान भाई का ये कहना है कि भाई मेरे पुटीनों के ऊपर शाइन और क्वालिटी बिल्कुल नहीं आती, पुटीने मत लगवाया करें अपनी गाड़ी को, डेंटिंग में गाड़ी की जान निकाला करें कि डेंटिंग में जान निकलेगी, लोया निकलेगा, लोहे के ऊपर अगर पेंट लगेगा तो क्वालिटी वाला काम होगा। ऐसे ही है रहमान भाई? ऐसे ही है। और अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह काम करवाना, अभी तो अभी आपको बोनट दिखाया, अभी तो गाड़ी आपको दिखानी बाकी है, मैं गाड़ी दिखाना चाहूँगा, गाड़ी के ऊपर क्या क्या शशकें की हमें किसी ने, यार ऐसा नारियों की जैसा काम बिल्कुल ना किया करें। अभी चलते गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर आपको पटीन दिखाते हैं कितनी कितनी पटीन लगी हुई है गाड़ी के ऊपर। और लड़के अभी अभी लंच ब्रेक हुई हमारे वर्कशॉप में, तो ये साइड प्रोफाइल अगर दिखाऊं तो भाईजान इतनी पटीन थी, लोया स्टील निकाल दिया गया है, तो ये मेरा हाथ साफ है ऑन कैमरा और मैं इसके ऊपर हाथ लगाने लगा हूँ भाईजान, तो ये देखें अगर गाड़ी की स्क्रीन पर देखते हैं तो मतलब इतनी पुटीन उतारी गई है इस गाड़ी से। अभी मैं शॉर्ट भी बनवा रहा था इसके गाड़ी के छोटे छोटे, मतलब लोया देखें ये स्टील निकल आया लोया। अभी इसके ऊपर फाइनली पेंट प्रोसेस करेंगे तो ये क्वालिटी वाला काम होगा और फिर ही पेंट की शाइन आएगी और फिर ही इसकी पेंट क्वालिटी बनेगी। यार रहमान भाई इधर थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, यार रहमान भाई हमें ये बॉडी के बारे में बताएं यार, बहुत सी आपने इसकी भी मुंजाई करके लोया निकाला हुआ है,
ऐसे स्टील चमक रहा है जैसे ईद वाले दिन कसाईयों की छुड़ियां चमकती होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बोनट पे कि हम सारा इसको स्टील बनाएंगे कि जिस तरह पूरा चमकदार बनाएंगे, फिर इसमें पेंट क्वालिटी नजर आएगी या आपको हर चीज नजर आएगी। सारी इसकी पुटीने हमने उतार दी हुई है, ठीक है ना, ये सारी पुटीने और थोड़ी थोड़ी सी रह गई, ये भी इंशाल्लाह सारी उतार के तो फिर इसको फिनिशिंग करेंगे। दूसरी साइड पे हमारा काफी काम हो चुका है, दूसरी साइड दिखाएंगे तो ऐसे हाथ लगाएंगे ना इसको तो ये पूरी खड़के की चादर सही है, जैसे जनवन गाड़ी की बिल्कुल प्लाइटफुट गाड़ी की चादर खड़कती है ना, इसी तरह इसकी चादर खड़केगी जी भाई। हालांकि ये 10 से 12 साल पुरानी गाड़ी है और ये इतनी गंदी तैयार हो गई है कि इसको सारा हमने बिल्कुल न्यू जैसा बनाना है। ऑटो जनवान का चैलेंज यही है रहमान भाई के कोई भी पुरानी गाड़ी लाएं नई बनवा के ले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑटो चैनल वन अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाती भी है और करती भी है प्रैक्टिकली, वीडियो ऐसे कोई अदारा भी नहीं दिखाता, जैसे हर काम हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल। कस्टमर घर बैठा सेफ है इधर ऑटो चैनल वन पे गाड़ी देखे कि हर वीडियो अपडेट हो रही है उसकी गाड़ी किस प्रोसेस तक पहुंची है, हर चीज क्या काम हुआ है, लोग क्या करते हैं। रहमान भाई मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लोग क्या करते हैं फाइनली गाड़ी तैयार करके, पूरी गाड़ी तैयार चमचमाती कार वो दिखाते हैं दुनिया को, जी हमने बना ली, ऐसा काम दिखाएं, हम चैलेंज करते हैं हम सब लोगों को यार। नहीं वो ऊपर से कुछ और होता है नीचे से कुछ और होता है, लेकिन जब 2-4 महीने गुजरते हैं ना तो वो नीचे से सारा कुछ बाहर आना शुरू हो जाता है, पटीने फटने शुरू हो जाती है, इस तरह के मसले मसाले आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह का काम करेंगे ना आप तो फिर ना ये पटीने होंगी इस पर ना फटेंगी और ये गाड़ी आपकी साला साल चलती रहेगी, चला पूरे जेन्युइन तरीके से काम होगा। दूसरी साइड पे आपको दिखाएं कि ये सारा काम हमने किस तरह किया। अगर इस साइड पे देखें तो यार माशाल्लाह इधर बहुत फिनिश हो चुकी है, पटीने भी शुरू हो चुकी है सारा, ये भी उसी तरह ही किया है कि भाई जान ऑफ कैमरा इसको। सर हमारा दिखाने का सारा मकसद ही ये है कि हर बंदे को पता चले, ये नहीं है कि हमने एक साइड बना दिया, ये भी साइड उसी तरह बनी है, वो भी साइड उसी तरह बनी है, दोनों सेम बनी है। अगर ये इसको ऐसे खड़का के देखेंगे ना तो आपको हर चीज नजर आएगी इसकी, ये देखिए जैसे पूरा लोया खड़कना है। और ये पीस तैयार है सर पेंट होगी पेंट के लिए? नहीं पीस पे थोड़ा बहुत काम होना है फिर ये तैयार ही है, काफी हद तक तकरीबन 70% तैयार हो चुका है। सही है, ये इस पे सिर्फ 30% आई तो करोला थी, अभी बन के करोला एक्स जाएगी इधर से, ये करोला एक्स बन के जाएगी न्यू शेप में। सही है, किस मॉडल की इसकी पुरानी चीजें देखें तो ये देखें ये इस तरह बनी हुई थी गाड़ी, ये चीजें थी गाड़ी में, लेकिन जब इधर से निकलेगी ना तो इंशाल्लाह आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे कि दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। यार अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह आपकी फुल रफ गाड़ी आए और प्लाइटफुट बन के जाए, फिर आपको आना पड़ेगा ऑटो चैनल वन पे, क्योंकि ऑटो चैनल वन ही ऐसा आधार है जो आपकी गाड़ी को हर गाड़ी को अपना समझ के काम करता है। हर वीडियो में दिखाने का बताने का मकसद है आपको कि आप गाड़ी दे के सेफ एंड सिक्योर, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी अदारे भी काम कर रहे हैं लेकिन ऑटो चैनल वन अपना प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनलिज्म को भूलता नहीं है यार। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह क्वालिटी वाला काम, फिर आ जाएं ऑटो चैनल वन पे। इसी के साथ अपने मेज़बान फैजान अली को, मेरे साथ बड़े प्यारे रहमान भाई थे और मेरा कैमरामैन जैसे हर बार होता है तैमूर भाई, उनको इजाज़त दें, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया रहमान भाई आपका।